आपका अपने YouTube चैनल लेजेंडर पर स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों ELCB, RCCB और MCB और MCCB में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे आज। हम शुरू करते हैं बेसिकली MCB और MCCB से, ठीक है दोस्तों। आज इस पे देखते हैं MCB MCCB में क्या डिफरेंस है, कितनी रेटिंग का होता है, क्यों होता है, कहाँ यूज होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ट्रिपिंग क्या है, ओवरलोडिंग क्या है, सब कुछ देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, MCB और MCCB से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद LCB, ELCB और RCCB पर आते हैं, उसके फिगर सहित कैसे कैसे वो दिखते हैं, मतलब पूरा एप्लीकेशन सहित कहाँ यूज होते हैं, कौन ओवर करंट का प्रोटेक्शन करता है, कौन अर्थ लीकेज का प्रोटेक्शन करता है, मतलब बेसिकली सब चीज़ें उसमें कवर करेंगे। कोशिश यही है सारी चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम अपने MCCB और RCCB से, ठीक है दोस्तों। तो पहला है दोस्तों डिफरेंस बिटवीन MCCB, बोथ MCCB एंड MCB एंड MCCB आर द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड सर्किट ब्रेकर इन सेवरल एप्लीकेशन। हाउएवर देयर मेन डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे मतलब बेसिकली यही बताया गया है कि ये जो MCCB और MCB हैं दोस्तों, ये हमारे जो भी सर्किट ब्रेकर हैं इनमें बेसिकली बहुत बहुत फ्रिक्वेंट यूज हो रहे हैं, बेसिकली यही यूज ही हो रहे हैं। मतलब सर्किट ब्रेकर में जो इलेक्ट्रिकल पैनल बन रहे हैं, जो नॉर्मल घरों के वायरिंग कंट्रोल हो रही है, नॉर्मल मोटर कंट्रोल हो रही है, नॉर्मल कोई भी मशीनरी यूज हो रही है, तो पहले या अगर लोड के अकॉर्डिंग MCCB या MCB लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं, बेसिक डिफरेंस में आ जाते हैं दोस्तों MCB और MCCB में, ठीक है। फुल फॉर्म, पहले फुल फॉर्म पे ही ध्यान दे देते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, MCB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर मतलब छोटा सर्किट ब्रेकर, ठीक है, छोटे पार्ट में, मतलब इसका मतलब छोटा, इसका साइज छोटा होता है, इसलिए इसका नाम मिनिएचर रखा जाता है। MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। इसके बारे में अगर जानना है तो इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, बहुत डिटेल में जाना पड़ता है मोल्डेड केस वाले में, ठीक है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आते हैं, एक NMCB इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल स्विच डिजाइन टू प्रिवेंट डैमेज टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्यू टू एक्सेसिव करंट। जो MCB होता है हमारा, एक इसलिए मतलब इस बेसिस पे डिजाइन किया जाता है जिससे कि वो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या किसी भी इक्विपमेंट में जिधर पावर सप्लाई जा रही है उसमें एक्सेसिव करंट मतलब अधिक करंट को प्रिवेंट करे। इनके जो रेटिंग का हमें मशीन लगा है उसी रेटिंग का हमने MCB लगा दिया, ओवर करंट जैसे जाता है तो ये हमारा ट्रिप कर जाता है, इसका वहाँ यूज होता है दोस्तों, ठीक है। अब NMCCB में आते हैं, MCCB भी वहीं वहाँ पर यूज होता है लेकिन ये हाई करंट पे यूज होता है दोस्तों, ये एक लिमिट करंट पे यूज होता है और ये एक हाई करंट पे यूज होता है, मतलब अगर जहाँ ये खत्म होगा ना दोस्तों वहाँ से ये शुरू होगा। जैसे अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग आपने सुना होगा, जहाँ से मैं खड़ा होता हूँ वहाँ से लाइनें शुरू हो जाती हैं, बेसिकली यही है MCCB का काम। दोनों का काम सेम है लेकिन यूज कहाँ कहाँ होते हैं दोस्तों, यूज वहीं होता है MCCB जहां पर आपका MCB यूज ना हो, जहां पर आपकी करंट रेटिंग MCB की कम हो। करंट रेटिंग देखो, करंट रेटिंग की बात मैं कर रहा हूँ, करंट रेटिंग आ गई आपके सामने। दी करंट रेटिंग ऑफ MCB रेंज ऑफ 6 एम्पियर टू 125 एम्पियर, 125 एम्पियर तक हमारा MCB यूज होता है, उसके ऊपर हमारी MCCB यूज होती है। MCCB 16 एम्पियर से 1600 एम्पियर, इसके ऊपर हमारी 1600 एम्पियर के ऊपर हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों, आ जाती है दोस्तों ये ACB, VCB, OCB। उसका अगर आप कहेंगे तो उसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसका यूज, उसका एप्लीकेशन एंड करंट रेटिंग वगैरह सब, ठीक है दोस्तों। अब शॉर्ट सर्किट करंट है, ट्रिपिंग करंट बोलते हैं इसको, शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं, ट्रिपिंग करंट अलग होता है दोस्तों। शॉर्ट सर्किट करंट में देखते हैं दोस्तों इसकी रेटिंग क्या होती है। MCB की शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग होती है दोस्तों 4.4 किलो, मतलब 4500 एम्पियर से 1500 एम्पियर तक इसकी करंट रेटिंग होती है शॉर्ट सर्किट की। अगर शॉर्ट सर्किट होती है कुछ मिली सेकेंड में, इसकी एक मिली सेकेंड होती है करंट रेटिंग ट्रिपिंग की शॉर्ट सर्किट की। अगर उस रेट जैसे 30 सेकेंड मिली 30 मिली सेकेंड है
अगर उस एरिया में मतलब उस रेंज में 30 मिली सेकंड के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ और इसके बाद ऑटोमेटिक सही हो गया, तो ये ट्रिप नहीं करेगा। उस सेकेंड 30 मिली सेकंड के बाद अगर जैसे कि वो ट्रिपिंग मतलब शॉर्ट सर्किट करंट या ओवर करंट बना रह गया, ये ट्रिप कर जाएगा। सेम चीज़ इसमें भी दोस्तों, लेकिन इसका करंट रेटिंग 100 किलो एम्पियर है। ठीक है दोस्तों, इसकी रेटिंग वही ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पे करंट रेटिंग इसकी बियर करंट की रेटिंग भी ज़्यादा है। और शॉर्ट सर्किट टाइम दोस्तों, देखा हमने बोला था ना दोस्तों, शॉर्ट सर्किट टाइम, ये अगर ये करंट है इसका, अगर 3 मिली सेकंड के अंदर अगर ये एम्पियर इतने एम्पियर के करीब रहता है 3 मिली सेकंड के अंदर, तो ट्रिप नहीं होगा। जैसे 3 मिली सेकंड 3 mmS 3 मिली सेकंड यहाँ पे देख रहे हो आप, 3 मिली सेकंड के बाद ये तुरंत ट्रिप कर जाएगा। इसका कितना टाइम है दोस्तों शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग टाइम, ये है दोस्तों 9 मिली सेकंड। 9 मिली सेकंड के ऊपर होता है एमसीसी में ट्रिप हो जाएगी दोस्तों। अब आते हैं इंटरप्टिंग करंट रेटिंग। एमसीसीबी हैव इंटरप्टिंग करंट रेटिंग अप टू 1800 एम्पियर। और एमसीसीबी का क्या होगा, इसका होगा 10 किलो एम्पियर से 200 किलो एम्पियर तक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब आप समझ लीजिए कि इसका क्या होगा, 10,000 एम्पियर से लेके 20,000 एम्पियर तक, मतलब इसका इंटरप्टिंग मतलब ऑन ऑफ करने की करंट रेटिंग क्या होता है, आप जर्क लोड जानते हो, एक जर्क लोड होता है, जैसे ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो करंट रेटिंग बहुत हाई रेंज में जाती है, वही इंटरप्टिंग ऑफ करने की कंडीशन की है, उस समय करंट 18 एम्पीयर तक बियर कर लेगी। ठीक है दोस्तों, और ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक, इसकी ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, द ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमसीबी इज द नॉर्मली नॉन एडजस्टेबल। इसका ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऐसा है, इसको ट्रिप करने के लिए अब करंट सेटिंग आप करना चाहो कि हाँ इतने मिली पर हम कर सकते, इसमें एडजस्टेबल नहीं होता है। द रिमोट ऑपरेशन ऑफ एमसीबी इज पॉसिबल, इसमें क्या होता है कि ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक होता है दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा है एमसीबी दोस्तों, यहीं पे कहीं पे ट्रिप रहता है इसमें, इसमें शायद पूरा क्लियर पिक्चर नहीं आया है, इसमें यही रहता है तो वहां पे हम सेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोल्स एमसीबी सिंगल, आप देखते होंगे लोकल मार्केट में, आप नॉर्मल जानते हो घरों में भी या इंडस्ट्री में आप अगर देख रहे होंगे, 3 पोल्स लेके और सिंगल पोल से लेके 4 पोल तक आती है, जबकि एमसीबी हमारा हमेशा 4 पोल पे ही आती है, क्योंकि एमसीबी हमारा इंडस्ट्री में ही यूज होती है, या तो बेसिकली हम कर सकते हैं एमसीबी हमारा वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हायर करंट होता है। हायर करंट हमारा कहाँ होता है, घरों में तो हायर करंट आपका होगा नहीं, आप जानते ही हैं घरों में ज़्यादा होगा 63 एम्पियर मैक्सिमम होगा, कोई मोटर पंप चला रहे हो उसके लिए होगा, नहीं तो दोस्तों वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे हमारी एमसीबी नहीं यूज होती है दोस्तों, हमारी एमसीबी वहाँ यूज होती है जहाँ पे हाई करंट ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें 4 पोल मतलब 3 फेज के कनेक्शन होने जरूरी है। सिंगल फेज के कनेक्शन के लिए सिंगल पोल एमसीबी, 2 पोल एमसीबी, 3 पोल एमसीबी यूज कर सकते हैं दोस्तों। 3 पोल एमसीबी भी डायरेक्टली हम 3 फेज में भी यूज करते हैं। देखो इसका एप्लीकेशन भी दोस्तों, देखा मैंने एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा था, एप्लीकेशन भी आ गया दोस्तों। MCBs are commonly used for lower electrical load, smaller applications such as lighting circuit. मैंने इसकी ही बात करी थी, जैसे घरों के लाइट हो गया, इंडस्ट्री की लाइट हो गई, नॉर्मल लोड हो गया दोस्तों, जैसे नॉर्मल मोटर का लोड हो गया, नॉर्मल पंप का लोड हो गया, नॉर्मल मिक्सी का लोड हो गया, कहीं भी MCB आप यूज कर सकते हैं। जबकि MCCB दोस्तों, MCCB आर द बेस्ट सुटेड ऑफ इंडस्ट्रियल पर्पस सच एज प्रोटेक्ट हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन एंड मशीनरी। लाइक मैं इसी यही ऊपर यहाँ पे हमें यही बात कर रहा था आपका, MCCB कहाँ यूज होती है, देख रहे दोस्तों सेम यही चीज का ये बोल रहा है कि MCCB यहाँ यूज होती है। बेसिकली दोस्तों हमने आपके लिए इसीलिए ये कंटेंट तैयार किया है कि एकदम सीरियल वाइज कहाँ यूज होती है, कि ट्रिपिंग करंट कितना है, रिमोट ऑपरेशन है कि नहीं, कितने पोल के होते हैं, ये बेसिकली दोस्तों हमने तैयार किया। अब दोस्तों मैंने एक आपके जानकारी के लिए आपके आपको एमसीबी और एमसीसीबी से परिचय कराने के लिए, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको एक पिक्चर अटैच कर दिया है एमसीबी का। अगर ये देखो इसे 3 पोल की एमसीबी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि देख रहे हो ये 3 कनेक्शन होते हैं इसमें दोस्तों, देख रहे हो आप ये 3 कनेक्शन होते हैं। अगर इसमें सिंगल कनेक्शन है दोस्तों तो आपकी एमसीबी, मैं दिखा रहा हूँ कैसी आएगी सिंगल पोल की एमसीबी, ठीक है दोस्तों, सिंगल पोल की एमसीबी आपकी ये इतनी इतनी आएगी, केवल एक आएगी, एक पोल एक कनेक्शन रहेगा तो सिंगल पोल, 2 कनेक्शन रहेंगे तो 2 पोल, इसमें 3 कनेक्शन है दोस्तों इसलिए ये 3 पोल की एमसीबी है। ठीक है दोस्तों,
ऐसी होती है एमसीबी दोस्तों। अगर कहीं भी ऐसा हो तो आपको नहीं पता है तो आप मार्केट में जाइए, वहां पे आप एमसीबी का नाम देखिए, देखते ही आपको समझ में आएगी हाँ इसी तरीके से तो हमने कहीं देखा था इसको। ठीक है दोस्तों, एमसीसीबी देखिए दोस्तों, इस तरह की दिखती है, हमेशा 4 बॉल की होती है। इसमें स्नाइडर की भी आती है, बेबी की भी आती है, हेवेल्स की भी आती है, तो इसी टाइप की आएगी हमेशा, जब भी रहेगी इसी टाइप की रहेगी दोस्तों। ठीक है, ये एमसीबी होती है, अगर इंडस्ट्री में हो तो जाहिर सी बात है आप इससे परिचित होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों हम ईएलसीबी आरसीसीबी पे, डिफरेंस बिटवीन ईएलसीबी एंड आरसीसीबी। ठीक है दोस्तों, इसके कैरेक्टरिस्टिक है, ईएलसीबी है, आरसीसीबी इज ऑल्सो नोन एज आरसीडी एंड आरसीसीबी। ठीक है दोस्तों, रेजिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर इसका फुल नाम है दोस्तों। अगर आरसीडी बोलते हैं, रेजिड्यूअल करंट डिवाइस बोलते हैं दोस्तों, रेजिड्यूअल करंट डिवाइस आरसीसीबी को बोलते हैं। अगर आरसीडी कहीं लिखा है तो उसका फुल फॉर्म अगर कोई पूछ रहा है तो आप बता सकते हो, रेजिड्यूअल करंट डिवाइस आरसीबी, रेजिडुअल करंट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट, रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर यहाँ पे बोलेंगे दोस्तों, आरसीसीबी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म हो गया दोस्तों। ईएलसीबी का फुल फॉर्म देखते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी अब बेसिकली यूज नहीं होती है, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसकी जगह अब ये ले लिया है आरसीसीबी ने ले लिया है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल बात करते हैं नीचे। ठीक है, ऑपरेशन, वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है ये दोस्तों, ओल्ड नेम है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसकी जगह ये ले लिया है जैसा कि हमने बताया। करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, ये वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है, ये करंट ऑपरेटेड डिवाइस, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू डिवाइस है, न्यू नाम है। ठीक है दोस्तों, फॉल्ट डिटेक्शन, ओनली डिटेक्ट अर्थ फॉल्ट एंड फ्लो बैक थ्रू द मेन अर्थ वायर। अगर इसमें कहीं पे अर्थ फॉल्ट होता था या अगर अर्थ फॉल्ट होता है, ईएलसीबी का यूज करिए, वहां पे जो बैक करंट आती है, कभी कभी आप जानते हो किसी भी इक्विपमेंट में बैक करंट आती है, 3 फेज से अर्थ कभी शॉर्ट हुआ तो बैक करंट आती है, वहां के प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज होता है। इट विल और आरसीसीबी में तो देखते हैं दोस्तों, इट विल डिटेक्ट एनी अर्थ फॉल्ट, ये अर्थ फॉल्ट भी डिटेक्ट करता है दोस्तों, देख लेना इसका काम ये कर दिया, यही पे मैंने बोला था ना आपको, इसका काम ये। दैट्स व्हाई दे आर यूज नाउ इंस्टेड ऑफ ईएलसीबी, आज ये ईएलसीबी की जगह यूज होता है। मैंने पहले ही आपको ये चीजें बताई कि ईएलसीबी की जगह आजकल आरसीसीबी का यूज होता है। कनेक्शन, कनेक्शन टू ये कनेक्टेड इन फेज, इट इज वनली कनेक्टेड टू फेज एंड न्यूट्रल, और ये फेज और न्यूट्रल अर्थ सब में कनेक्ट होते हैं, ये फेज न्यूट्रल में कनेक्ट होता है, अर्थ में नहीं, अर्थ तो डायरेक्ट कनेक्ट होता है यार, अर्थ के लिए एमसीबी के क्या देना। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, इंस्टॉलेशन नीड्स एन अर्थ कनेक्शन इटसेल्फ, अर्थ कनेक्शन इसमें जरूरी होता है, इसमें कोई अर्थ कनेक्शन की जरूरत नहीं होती दोस्तों, विदाउट अर्थ कनेक्शन ये यूज होता है न्यूट्रल फेज दे के। ठीक है, इसका ईएलसीबी का ही मतलब आप देख लीजिए, फुल फॉर्म ही देखिए आप, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, केवल अर्थ लीकेज के लिए हम थोड़ी लगा सकते हैं ये इसको, इसके लिए हम आरसीसीबी लगाते हैं जो अर्थ लीकेज न्यूट्रल फेज सब लेके चले। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन आपने देख लिया, टाइप देखो, एसी यूज्ड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, एसी में यूज होता है, ए यूज्ड फॉर स्क्वायर वेव करंट, ये किसमें होता है, एसी में भी यूज होता है, और ये स्क्वायर वेव करंट में यूज होता है जहां पर दोस्तों एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जब कोई इन्वर्टर कैसे काम करता है, पहले डीसी में काम करता है इन्वर्टर, कन्वर्टर क्या करता है दोस्तों, या पहले एसी रहता है, ठीक है, फिर उसका बनता है दोस्तों स्क्वायर वेव, बनता है दोस्तों इस तरीके से, ठीक है, वहां पे देख रहे हो वहां पे भी ये यूज हो रहा है, फिर बनता है दोस्तों ट्रायंगल, ऐसे ऐसे बनता है, फिर ऐसे ऐसे दोस्तों बन के वो बन जाता है डीसी लास्ट में। ठीक है, ऐसे सीधी लाइन बन जाती है। तो बेसिकली दोस्तों हमारा ये जानना नहीं है यहाँ पे कि कैसे काम हमारा एसी डीसी में कन्वर्ट होता है, बेसिकली हमारा जाना ये है ये कहाँ यूज होता है, बेसिकली ये जहाँ एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं कन्वर्टर, वहाँ भी यूज करते हैं। ठीक है, और ये एसी यूज, एसी में भी यूज होता है, ए यूज फॉर स्क्वायर में भी यूज होता है, डीसी में भी यूज होता है, ये डीसी में भी यूज होता है, जबकि ये भी उसी में यूज होता है, दोनों का काम सेम है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना आपको, इसीलिए ये ईएलसीवी जो है, ईएलसीवी की जगह जो है आरसीसीबी यूज हो रहा है दोस्तों, इसीलिए क्योंकि सेम एप्लीकेशन है। ठीक है, नॉइज स्ट्रिपिंग,
ट्रिपिंग की, ट्रिपिंग क्या होती है, इसकी लेस ट्रिपिंग होती है, इसकी हाई ट्रिपिंग होती है, हाई करंट पे ट्रिपिंग होती है, ये लेस करंट पे ही ट्रिप हो जाती है, कम करंट पे ही ट्रिप हो जाती है, लेकिन ये हाई करंट पे ट्रिप होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी रिक्वायरमेंट अगर हाई करंट की है तो हम लो करंट पे क्यों ट्रिपिंग कराएंगे, सोचो आप जरा। हम लो करंट पे ट्रिपिंग कराने आए हैं, इंडस्ट्री में लो करंट के लिए तो हम लगा दें छोटी छोटी डिवाइसेस आती हैं, लेकिन हमें हाई करंट की ट्रिपिंग के लिए चाहिए होता है तो हम वहाँ पे आरसीसीबी का यूज करते हैं दोस्तों। कॉस्ट ये कॉस्टली होता है दोस्तों, ये लेस कॉस्टली होता है, मतलब कम कॉस्टली, इसकी कॉस्ट कम होती है। आरसीसीबी की कॉस्ट हमारी एलसीसीबी के अपेक्षा कम होती है दोस्तों। देखो एक ये पॉइंट रहा, एक ये पॉइंट रहा, और आपका कहाँ रहा ऑपरेशन, एक ऑपरेशन रहा, एक ये रहा, एक फॉल्ट डिटेक्शन रहा, ये ऐसे चार पांच पॉइंट है जो मतलब ELCB को RCCB में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर कर दिया दोस्तों। टेक्नोलॉजी ये आनी बहुत जरूरी थी, अदरवाइज ये पूरा प्रोडक्शन नहीं दे पाता था। एप्लीकेशन दोस्तों नॉट रिकमेंडेड रिप्लेस इट विद RCCB या RCCD, यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोस्तों, RCCB है, सॉरी फॉर रिटर्न के लिए मैंने गलत लिख दिया था, RCCB है यहाँ पे दोस्तों, ये रिप्लेस हो गई है RCCB की जगह, यहाँ पे भी RCCB। ऑलमोस्ट ऑल वायरिंग सिस्टम यूज्ड RCCB, सभी जगह लगभग RCCB यूज हो रही है दोस्तों आज। ठीक है, ELCB कुछ ऐसा दिखता था पहले, देख लीजिए आप, ऐसे दिखते थे, उसमें ट्रिपिंग के लिए ये टेस्ट के लिए ये बटन रहता था, ऐसा यूज होता था। RCCB हमारे ये रही, ऐसे आजकल जो मार्केट में हमारी RCCB आ रही है ये रही। ठीक है दोस्तों, ओवर करंट पे ऑलरेडी ट्रिपिंग, ELCB की तरह अर्थ लीकेज फॉल्ट पे ट्रिपिंग, सभी जगह ट्रिपिंग, मतलब जितना ELCB देता था प्रोडक्शन सब देता था, लेकिन ये ELCB हमारी कॉस्टली आती थी, ELCB की हमारी अर्थ केवल अर्थ लीकेज फॉल्ट करती डिटेक्ट करती थी, ELCB केवल हमारा बैक करंट करती थी, जबकि RCCB हमारा देखिए लो कॉस्ट में है, मतलब कम इसकी लागत है, सस्ते मिलता है। दूसरा अर्थ लीकेज फॉल्ट, बैक करंट, फेज करंट, ओवर करंट सब में प्रोटेक्शन देता है हमारा RCCB, इसलिए ELCB की जगह RCCB का यूज करते हैं दोस्तों। ओके मैं आपके लिए छोटा सा एक तैयार किया हूँ इमेज बना के। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं हम थोड़ा कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या मतलब प्रिवेंट करता है MCB। देखिए दोस्तों, हमारा मतलब MCB क्या प्रिवेंट करता है, क्या नहीं प्रिवेंट करता है, ये सब चीज़ें देखते हैं। MCB देखो दोस्तों, MCB का मैंने बताया था, MCB का फिगर मैंने गलत लगा रखा है, MCB जैसी होती है मैंने दिखाया था, ये MCCB का फिगर है दोस्तों। MCB हमारी शॉर्ट सर्किट प्रिवेंट करती है, ओवरलोड के प्रोटेक्शन करती है, जबकि अर्थ लीकेज हमारा MCB नहीं करती है दोस्तों। वहां पे हम क्या लगाएंगे, RCCB, नॉट ELCB, ELCB बंद हो गई है, RCCB लगाएंगे दोस्तों। अब आते हैं MCCB का बड़ा भाई MCCB है, जो मतलब हाई करंट के लिए यूज होता है, ये भी दोस्तों हमारा शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं रेजिडुअल करंट डिवाइस, जिसको हमने RCCB बोला था, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये इस तरीके से दिखता है दोस्तों। ये हमारा क्या दिखाता था, शॉर्ट सर्किट करंट, ओवर करंट और अर्थ लीकेज करंट भी प्रिवेंट करता है दोस्तों। देख लो दोस्तों, अगर हम इसकी जगह अगर करंट रेटिंग सेम हो दोस्तों ना, ये लगा देना, हम तीनों का काम कर सकते हैं, दोनों का काम ELCB के अलावा तीनों का काम कर सकते हैं दोस्तों, RCCB लगा के। ठीक है दोस्तों, यही ELCB का आ जाइए, ELCB का हमारे पास कोई फिगर नहीं मिला, हमने नहीं लगाया वैसा कुछ यहाँ पे छोटा, तो ELCB हमारा दोस्तों देख लीजिए शॉर्ट सर्किट हमारा करता ही नहीं है, तो हमारा किस लिए काम आना, कोई मशीन में शॉर्ट सर्किट हो गया, ट्रिप भाई साहब ट्रिप ही नहीं हुए, पता चला मशीन फूक गई, अब जहाँ मशीन 4 लाख की है, ये बचा 4,000 का, 4 लाख हम बचाएंगे कि 4,000 बचाएंगे, इसलिए बेटर है कि हम ये RCCB लगा दें। तो दोस्तों हमारा वह यहाँ पे ये केवल अर्थ लीकेज फॉल्ट और ओवरलोड की प्रोडक्शन देता है, इसलिए हम ELCB को नहीं यूज करते दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कोशिश करते हैं, आशा करता हूँ कि आप लोग इससे बहुत सीखे होंगे, कि इसके डिफरेंसेस सीखे होंगे, इसके डिफरेंसेस और कहाँ यूज किए जाते हैं, कौन से एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं, क्या होता है, तो दोस्तों आपने इसके बारे में जाना। थैंक यू, आज का वीडियो यहीं हम पॉज करते हैं, बंद करते हैं।
थैंक यू सो मच।